आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 9 में झांसी की रानी की समाधि पर इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने की है। आज हम लोग इसके पांचवें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने चार पद्यांश की व्याख्या देखी, वह भी बहुत आसान थी और यह भी बहुत आसान है। देखिए, जब भी किसी पद्यांश की आप व्याख्या करने चलते हैं तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें होती है कि उस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं, उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, तो व्याख्या आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ को जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। बुंदेले हर बोलो, देखिए ये दो जातियां हैं भारत की, ये दो जातियां हैं, ठीक है, के इसका यही अर्थ होगा। मुख यानी मुंह से, मुंह से। हमने इसको बदल के कर लीजिए, हम भारतीयों ने या हम भारत के लोगों ने, जो आपको अच्छा लगे। हम भारत के लोगों ने सुनी, सुनी है कहानी, इसका यही अर्थ होगा। खूब लड़ी, इसका भी यही अर्थ होगा। मर्दानी अर्थात मर्दों के समान, वीरांगना के समान, मर्दों के समान, ठीक है। वह थी, इसका यही अर्थ होगा। झांसी, इसका भी यही अर्थ होगा। वाली, इसका भी यही अर्थ होगा। रानी, रानी के साथ आप जोड़ दीजिए लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। यह, इसका यही अर्थ होगा। समाधि, वैसे तो मैंने इसके पहले भी बताया है कि समाधि का मतलब कब्र या मकबरा होता है, लेकिन हम लोग इसकी व्याख्या समाधि कह के ही करेंगे, इसको बदलेंगे नहीं, समाधि को समाधि ही रहेंगे रखेंगे, ठीक है। यह, इसका यही अर्थ होगा। चिर माने जो लंबे समय तक रहे, यानी आप इसको कह सकते हैं अमर, अमर। समाधि है, इसका यही अर्थ होगा। झांसी की रानी, इन तीनों का अर्थ यही होगा। की, इसका भी यही अर्थ होगा। अंतिम माने अंतिम या आखिरी, चाहे आप अंतिम कह लीजिए चाहे आखिरी, दोनों सरल अर्थ है। लीला स्थली अर्थात कर्मस्थली, यही है, इसका यही अर्थ होगा। लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मर्दानी, मर्दों के समान, की इसका यही अर्थ होगा। तो सभी कठिन शब्दों को हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोगों को व्याख्या करनी है। लेकिन व्याख्या करने से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि यह भी आपको परीक्षा में लिखना होता है। तो यदि हम संदर्भ की बात करें तो देखिए, जब इस कविता का मैं आपको पहला पद्यांश बताया था, पहले पद्यांश की व्याख्या आपको सिखाई थी, तो मैंने वहाँ पर आपको संदर्भ बताया था, तो वह संदर्भ इस पूरी कविता के लिए होगा। तो आप पहले पद्यांश से संदर्भ को देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट पर चले जाइए और सभी पाठों की व्याख्या भी देख लीजिए और इसका संदर्भ भी देख लीजिए। प्रसंग बार बार बदलता है, जैसे ही ये पद्यांश बदलते हैं प्रसंग बदल जाता है। और देखिए, प्रसंग का कोई नियम नहीं होता है, जो पद्यांश होते हैं इनमें जो व्याख्या की जाती है उसी का एक छोटा सा हिस्सा हम प्रसंग बना लेते हैं। देखिए, प्रसंग आप कहीं से भी बना सकते हैं, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, हर लाइन में कोई ना कोई बात कही गई है, तो किसी एक लाइन से आप प्रसंग बना सकते हैं। लेकिन अमूमन होता क्या है कि जो किसी भी पद्यांश में जो मुख्य बात होती है उसी मुख्य बात को हम प्रसंग बनाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रसंग लिखते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन करते हुए उनकी समाधि के महत्व को भी बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है, और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, अब आ जाइए काव्य पर, कहती हैं बुंदेले, और अपने जोड़ना है, और हर बोलों जातियों, अपने जोड़िए, जातियों के मुंह से हमने, फिर अपने जोड़िए यह,
हमने यह कहानी सुनी है जो अंग्रेजों से, फिर इतना आपने जोड़िए, जो अंग्रेजों से मर्दों के समान खूब लड़ी थी वह झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर आगे लिखेंगे, यह समाधि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यह अमर समाधि है। और अपने जुड़े और अंग्रेजों से मर्दों के समान लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कार्य स्थली भी यही स्थान है, अर्थात यहीं पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि भाषा की बात करें तो सरल सुबोध खड़ी बोली, इसके पहले भी हम बता चुके हैं। यदि शैली की बात करें तो ओजपूर्ण, यानी जब किसी काव्य को आप पढ़ें और आप में ओज ऊर्जा का संचार हो, आप में जोश आए, तो ओजपूर्ण। आख्यानक गीत शैली का मतलब होता है जब कोई कथा हो, कोई कहानी हो और उसको काव्य का रूप दे दिया जाता है तो आख्यानक गीत शैली होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कथा है और इसको कवयित्री ने जो है एक काव्य का रूप दिया है। यदि रस की बात करें तो वीर रस है, आप देख रहे हैं इसमें जोश की बात है, त्याग बलिदान की बात है, तो वीर रस। छंद तुकांत मुक्त है, यानी कि इस पद्यांश में जो पंक्तियां हैं कविता की वो सभी जो लास्ट के अंतिम अक्षर हैं वो अलग हैं, तो तुकांत मुक्त है। यदि अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है। क्यों है ये आप चाहें तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बुंदेले हर बोलो, यहाँ पे ल ल की पुनरावृत्ति है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए न और न, सुनी कहानी में न न की पुनरावृत्ति है, तो जब एक ही वर्ण बार बार आता है, एक से अधिक बार आता है, तो वहाँ पे अनुप्रास होता है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। यदि गुण की बात करें तो ओज गुण है, यहाँ पे आ चुका है, ओज गुण है और शब्द शक्ति व्यंजना है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।